Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार, आज के इस लेसन में आप सभी का स्वागत है। और आज भी हम लोग जापानी सीखेंगे। पिछले हमारे लेसन्स में, चैप्टर्स में आपने परिचय किया है, आपने हिरागाना किया है, आपने कुछ नए शब्द भी सीखे हैं। तो आज भी उसको हम आगे ले चलते हैं। आज भी हम लोग कुछ हिरागाना करेंगे, कुछ नए शब्द सीखेंगे और बोलने के अलग अलग तरीके सीखेंगे, जापानी में व्याकरण सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम उच्चारण से। उच्चारण देखिए बहुत ही आवश्यक है और ख़ास करके आपके लिए ये उच्चारण हमने तैयार किया है, जिससे आप जापानी के शब्द आसानी से बोल सकें। तो सबसे पहले अगर आप अपने स्क्रीन्स पे देखेंगे तो आ ई उ ओ हो ही है। आप हमारे बाद अभ्यास करिए इसका एक बार फिर से। आ ई उ ओ हो ही है। के की कु को हे ही है हो। ने नी नू नो ताची त्सु ते। या यो यू यो नो नी नी ने। सासे सु सो रारी रे रो। सुसो सासे तेची त्सुते। देखिए जब आप इन हिरागाना साउंड्स को एक साथ मिलाकर बोलेंगे तो आप अच्छे से उन शब्दों का बाद में उच्चारण कर सकेंगे। ताची त्सुते मामी मुँह में। और ये त्सु है आधा त तो और सु मिलाकर के त्सु बनता है, सु नहीं है। तोची त्सु तो मामे मीमो। हाही हे हो मोमी मीमे। हो ही है यायु यायो। नानी नू ने रोरी रीरे। हाही हाहो हाही हाहु। तो इसका आप उच्चारण कर सकते हैं अपने मित्र के साथ और अकेले भी, लेकिन जो भी आप अभ्यास करेंगे वो आप जोर जोर से करेंगे, जिससे कि आपको खुद भी सुनाई पड़े कि आप क्या कह रहे हैं। अभी तक हमने 30 तक गिनती करी है, तो आज हम 30 से 50 तक करेंगे। सांजू इची सांजू नी सांजू सान सांजू शी या सांजू योन सांजू गो सांजू रोकु सांजू नाना या सांजू शिची सांजू हाची सांजू क्यू योंजू। इसके बाद है योंजू इची योंजू नी योंजू सान योंजू योन योंजू गो योंजू रोकु योंजू नाना योंजू हाची योंजू क्यू और अंत में है गोजू। आप यहाँ शी भी लिखा है और
शिची भी लिखा है, तो नाना जीव शिची भी होता है और यौन जीव शी भी होता है, दोनों ही आप कह सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने हिरागाना क सीरीज करी है, स करा है, त करा है, ह करा है, तो अब आज हम लोग म करेंगे। मा, और आप देखिए इसका स्ट्रोक ऑर्डर बहुत क्लियर दिया हुआ है, एक दो और फिर ये तीन, इसको इसी प्रकार से आप लिखिएगा, ये आसान रहेगा। मी में भी है, मी देखिए जो स्ट्रोक है उसका वो थोड़ा सा तिरछा है यहाँ पर भी। और इसके साथ आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता दें, जब भी लिखने का अभ्यास करिए तो ग्राफ पेपर पर करिए, जिससे कि बिल्कुल बैलेंस्ड रहे आपकी हिरागाना और उसी तरीके से आप उसको याद करें और लिखें, देखने में भी सुंदर लगता है। मुंह, एक दो और फिर तीन। मैं, और देखिए ये ऊपर से है, मैं इसका पेट बहुत बड़ा है, मैं और अंत में है मो, जैसे माँ में स्ट्रोक है उससे थोड़ा सा अलग है ये, पहले ये बनता है फिर दो और तीन बनाया जाता है, तो स्ट्रोक ऑर्डर याद करना अति आवश्यक है। तो आपके पास है मा, मी, मू, मे और मो। अब म से आपको कुछ शब्द बताते हैं, शब्द इसलिए आवश्यक हैं जिससे कि आप बाद में इन शब्दों का प्रयोग करके कॉन्वर्सेशन कर सकें। तो म से मादो, मीकान, मुशी, कोई भी कीड़ा जो है वो मुशी कहलाता है, किसी प्रकार का भी कीड़ा हो, चाहे वो रेंगने वाला हो, चाहे इस तरीके का पर वाला कीड़ा हो, सब मुशी कहलाते हैं। मेरोन, अब आप देखेंगे कि अभी तक आपने हिरागाना यहाँ पे लिखी हुई है और यहाँ पे कुछ अलग तरीके से लिखा है, ये काताकाना है, और क्योंकि मेरोन जो है मेलन वो अंग्रेजी का शब्द है इसलिए उसको काताकाना में लिखा गया है। मो, मोमो यानी आड़ू, तस्वीर से आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। मामे, किसी प्रकार की भी बीन्स, चाहे राजमा हो, चाहे छोले हो, चाहे मटर हो, चाहे चना हो, सब मामे कहलाती है। मैं, मीमी, मेगाने, मात्सुगे, मात्सुगे आपकी भौएं हैं। मिमी काजारी, मिमी आपने अभी यहाँ किया है, काजारी का अर्थ है सजाना या सजाने वाली कोई वस्तु, तो कान में सुंदर, कान को बनाने के लिए बुंदे होते हैं तो मिमी काजारी। और उसी प्रकार आप देखिए मिजू साशी है, तो दो ये शब्द हैं, मिजू का अर्थ है पानी और साशी का अर्थ है देना, तो वो वस्तु जो पानी देती है, मिजू साशी और मफुरा। यहाँ आप फिर देखेंगे यहाँ काताकाना में लिखा है, मफलर एक अंग्रेजी शब्द है इसलिए मफुरा। अब ये य ध्वनि की हिरागाना है, या, यू और यो, या देखिए ऐसे लिखा जाएगा, या, यू और यो, ये तीन क्यों हैं आप ये जानना चाहेंगे, बाकी सब में पांच हैं ध्वनियाँ, इसमें तीन क्यों हैं? अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो या अंत में आ आता है, या, ई, यू, ये, यो, तो ई और ए जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा आ ई उ ए के ई और ए से मिलती है इसलिए उसको हटा दिया गया है और या, यू और यो केवल रखा गया है।
अब यहाँ पर या से कुछ शब्द हैं आपके लिए, यागी, यूकी दारुमा, यूकी माने बर्फ, तो यूकी दारुमा, स्नो मैन, और यूकी आप देख ही रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी बर्फ है, यूकी का अर्थ है बर्फ। योत्तो, फिर से यहाँ पे आपको कताकाना देखने में मिलेगी, और योंज्यू, ये आपने अभी किया है गिनती में। ये कुछ शब्द भी हैं, देखिए, यासाई माने सब्जी, याकितोरी, ये एक प्रकार का बहुत पॉपुलर खाना है जापान में, चिकन तंदूरी इसको आप हिंदी में कह सकते हैं, लकड़ी में लगा करके इसको और रोस्ट किया जाता है, बारबेक्यू किया जाता है, तो याकितोरी। योजी, ये भी आप करेंगे, 4 बज रहा है इसमें, ये आप कुछ लेसन्स के बाद पढ़ेंगे। यूरे माने भूत। अब ये रा सीरीज है, रा देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा ऊपर उठा है, ये ऐसा क्यों है, होता ये है कि जब आप ब्रश से लिखते हैं तो ब्रश को अगर आप एकदम रोक देंगे तो वहाँ पे एक गोल सा धब्बा पड़ जाएगा, तो उसको सुंदर बनाने के लिए आप ब्रश को उठाते हैं और इसलिए वो छोटी सी एक लकीर जो है वो यहाँ आ जाती है। तो पहला ये स्ट्रोक है आपका और फिर ये स्ट्रोक है, रा री, और ये ध्यान रखिएगा री में कि देखिए एक छोटा है और दूसरा बड़ा है, रा री, रू, रे और रो। रू और रो में फ़र्क ये है कि रू में एक छोटा सा आप अंदर को घुमा करके आँख बना देते हैं और ये इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इनसे कुछ नए शब्द हैं, देखिए, राकुदा, रिसु, रूबी, रेई, रोकेटो। तो यहाँ पे रूबी और रॉकेट जो हैं वो अंग्रेजी के शब्द हैं इसलिए कताकाना में लिखा गया है। र से कुछ और शब्द हैं, रायोन, ये आप लोग सब जानते ही हैं, रिंगो, रक्को, रेमोन, और आप देखेंगे कि ये भी कताकाना में लिखा है क्योंकि अंग्रेजी का शब्द है, राजियो, रेडियो, रेजोको, रेंगा, ईंटें दिख रहे हैं आपको। अब ये है वा, ओ और उ, वा, वा, ओ और उ। इसमें स्ट्रोक ऑर्डर आप कृपया ध्यान रखिएगा, पहला स्ट्रोक ऑर्डर लंबा है, वर्टिकल है, उसके बाद वा बनाया जाता है, जबकि एक, दो और तीन, और ये स्ट्रोक ऑर्डर है उसका। इसके साथ नए शब्द देखिए, वानी, वाशी, रिंगो, उनसे क्योंकि कोई शब्द नहीं है तो बीच में आता है, ये एक साउंड है, और मीकान, ये जो है ये यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये पार्टिकल ओ है जो बाद में करेंगे। अब आपका हिरागाना आ से लेकर के उन तक कंप्लीट हो गया है आज तक के लेसन में। अब जो अन्य उसकी साउंड्स हैं, गा, बा, पा, जा, ये साउंड्स जो हैं हम लोग अपने अगले चैप्टर में करेंगे। अभी पिछले हमारे लेसन में आपने किया परिचय, अभी एक छोटा सा काइवा है। मिनासन वा गाकुसेई देसु का? ईए, वाताशी वा गाकुसेई देवा अरिमासेन। तो होंडा सान ने उनसे पूछा कि क्या आप
विद्यार्थी कि आप स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ये मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। ये एक पूरा जवाब है, नहीं मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। या आप उसको बहुत छोटे से वाक्य से भी जवाब दे सकते हैं कि ये सो देवा अरिमा सेन, जैसा आप कह रहे हैं वैसा नहीं है। या आप ये भी हटा सकते हैं, और अगर आप किसी को जानते हैं और बहुत फॉर्मल सिचुएशन नहीं है तो आप कह सकते हैं सो देवा अरिमा सेन। देवा अरिमा सेन दिस का नेगेटिव है, दिस पॉजिटिव के लिए होता है और देवा अरिमा सेन नहीं ऐसा नहीं है के लिए प्रयोग में आता है। लिखने का भी अभ्यास करिए तो आपको लिखना पढ़ना दोनों आ जाएगा। ईए सो देवा अरिमा सेन या सो देवा अरिमा सेन, संक्षिप्त में आपने बहुत जवाब दे दिया है, ये इसका अभ्यास है। आज हम लोग करेंगे दोचिरा करादेस का। ये जो दोचिरा शब्द है ये क्या है? दोचिरा एक प्रश्नवाचक शब्द है और इसका अर्थ क्या है उसको हम अभी बताएंगे। उससे पहले ये काइवा पढ़ते हैं। कोन्निचिवा, मिरासन वा केनक्यूसेई देसु का? गाकुसेई देसु का? वाताशि वा केनक्यूसेई देसु।失礼ですが、お国はどちらですか？どちらからですか？私はインドからです。अगर हम इतना हिस्सा काट दें यहाँ से और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दें, अगर हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दें तो ये कोनिचिवा मीरासान वा केनक्यूसेई देसु का, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये एक सवाल हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, हमने क्या किया, हमने का लगाया और उसके आगे कुछ और भी कहा हमने। क्या आप केनक्यूसेई हैं या आप विद्यार्थी हैं? तो मीरा सान का जवाब क्या है? मीरा सान कहती है वाताशि वा केनक्यूसेई देसु, मैं केनक्यूसेई हूँ। तो दो नाउन्स में से उन्होंने एक चीज़ चूज करके बताया कि मैं ये हूँ। अब तनाका सान पूछते हैं शित्सुरे देसु गा, ओकुनी वा दोचिरा देसु का? शित्सुरे देसु गा एक फ्रेज की तरीके से इसको याद करिए, माफ़ कीजिएगा लेकिन। ओकुनी वा दोचिरा देसु का, जब आप किसी अन्य व्यक्ति से फॉर्मल सिचुएशन में बात करते हैं, किसी बाहर वाले से आप बात करते हैं, अपने परिवार के लोगों से या ऑफिस के अपने लोगों से नहीं बात करते और आप उनके देश के बारे में पूछते हैं, तो आप हमेशा उसके आगे ये ओ लगाएंगे, ओ कुनीवा दोचिरा देसु का, आपका देश कहाँ है। अर्थ जब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये निकलता है, दोचिरा का अर्थ है कहाँ। अगर हम लिटरल इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो ये होता है कि आपका देश कहाँ है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आप कहाँ से हैं। ये बहुत एक अलग तरीके से, अलग प्रकार से जापानी में पूछा जाता है, जिसको आप याद करिए और उसका जवाब दीजिए। या आप ये भी कह सकते हैं कि दोचिरा करा देसु का, आप कहाँ से हैं। तो ये दोनों चीज़ें अभी हम लोग आगे करेंगे। मीरा जी का जवाब है वाताशि वा इंदो करा देसु, मैं भारत से हूँ। तो ये ध्यान रखिए, शित्सुरे देसु गा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आप कहाँ से हैं। मीरा जी कहती हैं मैं भारत से हूँ। अब आप देखिए दोचिरा का अर्थ क्या है। ये एक प्रश्नवाचक शब्द है और ज़्यादातर जो है ये जगह को पूछने के लिए प्रयोग में आता है। इसका एक और भी प्रयोग है जो कि हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जैसे आपने अभी प्रीवियस अपनी स्लाइड में किया है, ओकुनीवा दोचिरा देसु का, आप कहाँ से हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका देश कहाँ है, आप खुद कहाँ से हैं। ये जो ओ है ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सम्मान सूचक है। और आप ये देखिए ये ओ आ ई उ ए ओ में जैसे लिखा जाता है,
ये वैसे लिखा जाता है ओ, आ ई उ ए, ओ का ओ है ये। ऐसे ही सम्मान सूचक एक और है गो, जो जब आप किसी बाहर वाले से बात करते हैं, फॉर्मल सिचुएशन में बात करते हैं, किसी बड़े से बात करते हैं, तब प्रयोग में आता है। इनके कुछ ऐसे शब्द हैं जो अभी आपको हम बताएंगे, जैसे ओ नामायवा नांदेस का, जब आप किसी का नाम पूछते हैं तब आप ओ लगाते हैं, लेकिन अपने नाम के आगे आप कभी भी ओ नहीं लगाते हैं। जैसे आप हिंदी में भी पूछते हैं तो आप कहते हैं आपका शुभ नाम क्या है, आप जवाब में ये नहीं कहते कि मेरा शुभ नाम ये है। उसी प्रकार से जापानी में भी किया जाता है। ऐसे ही अभी आपने देखा ओ कुनी वा दोचिरा देश का, ओ कुनी कहा जाता है, मेरा जो देश है वो ओ कुनी कभी नहीं कहलाएगा, मैं उसको केवल कुनी कहूँगा, ये ध्यान में रखने वाला है। और ऐसे ही जैसा एक और शब्द आपको यहाँ गो दिख रहा है, वो है गो जूशो, यानी कि आपका जूशो क्या है, आपका पता क्या है, आपका पता क्या है। तो उसके आगे जब भी आप किसी से पूछेंगे तो आप गो लगाएंगे, ओ नामाए वा नांदेस का, गो जूशो वा नांदेस का। अभी आपको करा बताया, तो करा का अर्थ है से, आप कहाँ से हैं। देखिए दोचिरा करा देश का, आप कहाँ से हैं। वाताशिवा निहोन करा देश, मैं जापान से हूँ। आपने वाताशी के आगे वा लगाया क्योंकि आपको पता है कि वा जो है वो आपके टॉपिक के बाद लगाया जाता है। जिसके भी बारे में आप बात करना चाहते हैं, जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में आप बात करना चाहते हैं, उसके आगे हमेशा पार्टिकल वा लगाया जाता है। तो वाताशिवा, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, इसलिए वाताशिवा निहोन कारादेस, मैं जापान से हूँ। अब आप एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, आप किसी से पूछ भी सकते हैं कि आप कहाँ से हैं। तो तानाका-सान किसी से पूछ रहे हैं दोचिरा करा देश का, आप कहाँ से हैं, करा देश का। तो मीरा कहती है इंदो करा देश, मैं इंदो से हूँ। तो करा का अर्थ आता है से, प्लेस करा, हमेशा ये होगा प्लेस करा, चाहे मैं जापान से हूँ, चाहे मैं भारत से हूँ, चाहे मैं अमेरिका से हूँ, चाहे मैं यूरोप से हूँ, प्लेस करा। कांकोकू, आप हमारे बात बोल सकते हैं कांकोकू, कोरिया। इतारिया, इटली। दोइत्सु, जर्मनी। निहोन, आपको पता ही है जापान। और बेतोनाम, आप बता सकते हैं आराम से, वियतनाम की बात हो रही है। तो आप आराम से वाताशिवा कांकोकू करा देस, वाताशिवा इतारिया करा देस, वाताशिवा दोइत्सु करा देस, वाताशिवा निहोन करा देस, वाताशिवा बेतोनाम करा देस। आप इस तरीके से इसका अभ्यास कर सकते हैं, और आप अपने मित्र से अभ्यास करते समय ये भी पूछ सकते हैं कि उनका अगर नाम आपको पता है तो, जैसे तानाका-सान है, तानाका-सान वा दोचिरा करा देश का, मीरा-सान वा दोचिरा करा देश का, या आप ये भी कह सकते हैं मीरा-सान वा नी होन करा देश का, मीरा-सान वा निहोन करा देश का, पर्सन वा निहोन करा देश का। आप इस तरीके से भी उनसे सवाल पूछ सकते हैं और उनका जवाब आ सकता है कि हाय निहोन करा देश, या निहोन करा देवा अरी मासेन। अब आपने ये तो बता दिया कि हम यहाँ से हैं, कि हम जापान से हैं, या हम भारत से हैं, या अमेरिका से हैं। आप नागरिकता कैसे बताएंगे कि हम इस देश के वासी हैं। तो
मीरा सान वा इंदो जिन देस का, अभी आपने मीरा सान वा इंदो करा किया था, करा देस का, आप मीरा सान जापान से हैं, इंदो से हैं क्या? अब करा की जगह हमने जिन लगा दिया। अगर जगह के बाद आप जिन लगाते हैं तो वो नेशनैलिटी बताता है। तो देखिए, मीरा सान वा इंदो जिन देस का, हाई वाताशी वा इंदो जिन देस, मैं भारतीय हूँ। तो वो जिनके साथ आप नेशनैलिटी अपनी बताते हैं, मैं इस देश का वासी हूँ। या ईए वाताशी वा इंदो जिन देवा अरिमासेन, मैं भारतीय नहीं हूँ। दोनों में से कोई भी चीज़ आप कह सकते हैं। मीरा सान से अगर वो कहें कि मीरा सान वा निहोन जिन देस का, तो मीरा सान बहुत आराम से ये कह सकती है, ईए वाताशी वा निहोन जिन देवा अरिमासेन। अब देखिए, यहाँ पे इंदो की जगह, इंदो की जगह आप कोई भी कंट्री का नाम लगा सकते हैं, किसी भी कंट्री का। मीरा सान वा इतारिया जिन देस का, मीरा सान वा दोइत्सु जिन देस का, मीरा सान वा निहोन जिन देस का, मीरा सान वा बेतुनाम जिन देस का, मीरा सान वा कांकोकु जिन देस का। आप आराम से ये लगा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप मीरा की जगह कोई भी और नाउन यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अगर यहाँ पे कोई और नाम यूज़ करना चाहें, आप कहें आपने ये शब्द किया है ओतोसान, ओतो सान, आपने ओतोसान किया है, ओतोसान वा इतारिया जिन देस का, ओकासान वा इतारिया जिन देस का, या निहोन जिन देस का, या तनाकासान आप कह सकते हैं, तनाकासान वा निहोन जिन देस का, किसी का भी नाम, या सेंसेई आपने ये शब्द किया है, सेंसेई वा निहोन जिन देस का। आप मीरा की जगह इनमें से कुछ भी लगा करके, और यही वाक्य थोड़ा सा बदल जाएगा, और आप अपने मित्र के साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं, जिन का प्रयोग करके। जिन का जो कैरेक्टर है वो कांजी कैरेक्टर है, वो ये है, व्यक्ति के लिए प्रयोग में आता है जिन। अब यहाँ पे दिया है ए देश का, बी देश का, यहाँ पे दो का दिए हुए, तो दोनों का तो एक अर्थ नहीं हो सकता है, एक का अर्थ कुछ और ज़रूर होगा। आखिर में जो का है वो तो क्वेश्चन मार्क ही होगा, क्योंकि अनातावा निहोन जिन देश का बिल्कुल वही चीज़ है। तो ये तो का है, ये तो प्रश्न बन गया आपका सेंटेंस, लेकिन इसका क्या अर्थ है, अब ये हम लोग को जानना है। तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा है कि जो पहला वाला का है उसके बाद कॉमा आता है, और उसका अर्थ है या ये या ये, आप ए हैं या आप बी हैं। जैसे आप एक सेंटेंस ले सकते हैं, अनाथावा निहोन जिन देस का दोइत्सु जिन देस का, आप निहोन जिन हैं या आप जर्मनी से हैं, जर्मन हैं। तो इसके लिए अब आप देखिए कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इसे। कोचा देस का, एक ये आपका सेंटेंस है, वाक्य है, दूसरा है कोही देस का, तो ये दो वाक्य हो गए हैं। अब इनको अगर हम एक में करेंगे तो हमें एक जो क्वेश्चन मार्क है वो हटाना पड़ेगा। उसको हम कैसे हटाएंगे, हम उसको लिखेंगे कोचा देस का कॉमा कोही देस का, यानी कि दो सेंटेंसेस को हमने एक बना दिया, ए देश का बी देश का, ए देश का बी देश का, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है ए देश का बी देश का। तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ आप दिखा करके कह सकते हैं, आप संतरे को दिखा करके कह सकते हैं, मिकान देश का, रेमोन देश का, आप सेब को दिखा के कह सकते हैं, रिंगो देश का, मोमो देश का, आप पेंसिल को दिखा के कह सकते हैं, पेन देश का, पेंसिल देश का, इंदो जिन देश का, निहोन जिन देश का, बेंगोशी देश का, इंजिनिया देश का। ये आपने पहले भी किया है, निहोन जिन आपने किया हुआ है,
इंडोजिन आपने किया है, तो इन दोनों के बारे में किसी व्यक्ति को देख करके आप पूछ सकते हैं कि इंडोजिन देश का, निहोनजिन देश का, वो जो भी अगर इंडोजिन है तो आपके दोस्त कह सकते हैं हाय इंडोजिन देश, अगर वो इंडोजिन नहीं है तो आप कह सकते हैं कि ई ये इंडोजिन देवा अरिमा सेन। ऐसे ही बेंगोशी देश का गिंको इन देश का, तो आप लॉयर हैं या आप बैंक से हैं, ये भी आप पूछ सकते हैं और इसका हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। आपने छोटे प्रकार से कैसे जवाब दिया जाता है वो भी किया है, तो वो आप इसका यहाँ पे अभ्यास कर सकते हैं। देखिए ये आपके लिए अभ्यास है, यहाँ पे ए देश का बी देश का, तो यहाँ पे लिखा है गाक्से क्योशी, ये स्टूडेंट हैं, ये विद्यार्थी हैं या ये टीचर हैं, तो आप पूछ सकते हैं गाक्से देश का क्योशी देश का। अब रिंगो और मोमो है, आप क्या पूछेंगे बताइए, रिंगो देश का मोमो देश का। उसी प्रकार से केताई देश का केसांकी देश का। ऐसे ही आप पेंसिल भी दिखा के पूछ सकते हैं एमपित्सु देश का पेन देश का। और ये देखिए यहाँ पे चेरीज हैं, तो अगर दूर से देखिए तो इचिगो भी लग सकता है, तो साकुराम्बो देश का इचिगो देश का। तो इस प्रकार से आप अपने साथी के साथ, अपने मित्र के साथ, पार्टनर के साथ आप सवाल पूछ सकते हैं, वो आपको जवाब दे सकते हैं। आप दो तीन तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। इस पिक्चर को देख करके आप ये भी कह सकते हैं सेंसेई वा निहोनजिन देश का इंडोजिन देश का, ये भी आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप अभ्यास अपने मित्र के साथ करिए। तो आपके लिए चित्रलिपि है ये, हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हमने पिछले अपने चैप्टर्स में 6 तक किया है, आज आपको 7 से 10 तक कराएंगे। तो नाना, 5 उंगलियां और 2 उंगलियां, जापानी में ऐसे दिखाया जाता है 7। शिची, शिची। हाची बहुत ही सिंपल है, 4 उंगलियों को इस तरीके से रख करके और दिखाया जाता है हाची। तो देखिए हाची। अब इसके बाद आता है 9 नंबर, क्यू। क्यू सबसे बड़ा नंबर है सिंगल डिजिट में, सबसे ताकतवर नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, तो इसलिए हमेशा ये दिखा करके बताया जाता है क्यू। तो देखिए क्यू इस तरीके से बनता है क्यू। और इसके बाद जो नंबर है वो 10 है, और 10 इस तरीके से बनाया जाता है। प्लस का साइन है, थोड़ा सा लंबा है, और इस तरीके से आप ये याद कर सकते हैं। ये चाइनीज काउंटिंग मेथड है, नाना हाची क्यू ज्यू। अभी तक आपने किया है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, यानी कि ओहायो गोजाइमास, कोनिचिवा, कोम्बांवा। आज आपको कराएंगे ओयासुमी नासाई, रात हो रही है, 11 बज रहा है, बच्चे सोने जा रहे हैं और मम्मी उनकी सुलाने आई हैं माताजी, तो सोने से पहले क्या कहेंगे, ओयासुमी नासाई, ओयासुमी नासाई। तो थोड़ा राइजिंग इंटोनेशन है ओयासुमी नासाई, और ओयासुमी भी कहा जा सकता है ओयासुमी। कुछ नए शब्द हैं म सीरीज के, आप देखिए, आप हमारे बाद अभ्यास कर सकते हैं। मोरी, मिची, माकुरा, माची, मुने, मुगी, मोची, मोन, मात्सुरी, मिरुकु, मेइशी, इनके अर्थ दिए हुए हैं। य ध्वनि के हैं याने, याकितोरी, यासाई, यूरे, यूमे, योरु, योमे,
योन। तो आज का पाठ यहीं तक है। अब हमारा कार्य यहाँ ख़त्म हो गया है, आपको पढ़ाने का आपका कार्य शुरू हुआ है। आपको घर जा कर के बहुत सारी चीज़ें करनी है, नए शब्द सीखने हैं जो हमने आज पाठ में किया है वो करना है, और ये जो गृह कार्य आपको हम दे रहे हैं वो भी आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले है 1 से 10 तक जापानी में गिनती लिखिए, हिरागाना में लिखने का प्रयास करिएगा जिससे आपका हिरागाना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको याद हो जाए हिरागाना स्ट्रोक ऑर्डर के साथ। करा का अभ्यास करिए, ये शब्द दिए हुए हैं इनको आप हिरागाना में लिखिए। ये व्यवसाय हैं, कौन व्यक्ति क्या करता है ये हिरागाना में लिखिए, और जिनका अभ्यास अपने मित्र के साथ करिए, ये करिए, इससे आपको याद जल्दी होगा और आगे वाक्य बनाने में बहुत मदद मिलेगी। तो आज का कार्य यहीं तक, जल्दी ही फिर मिलेंगे। नमस्कार।